हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ मी अंकिता। सो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मैं बंकू के लिए आज प्रिपेयर कर रही हूँ ओट्स जो मैंने लिया है कुकर का ओट्स। और ये प्लेन ओट्स हैं जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। एंड इसको क्या करना है, आपको पहले मिक्सी में ग्राइंड कर लेना अच्छे से, जिससे कि बिल्कुल बारीक हो जाए और बनाने के टाइम बिल्कुल भी लम्स ना रहे इसमें। और ओट्स के अपने अलग फ़ायदे हैं, क्योंकि ओट्स जो है इसमें काफ़ी सारे विटामिन्स होती हैं, काफ़ी सारे इसमें कैलोरीज होती हैं, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो और इसको आप किसी भी टाइम दे सकते हो ओट्स को। और इसको देने के लिए जस्ट आपको क्या करना है कि आपको एक बाउल में पानी ले लेना है। मैंने यहाँ पर बॉइल्ड वाटर लिया है, उसके बाद एक स्पून मैंने ओट्स इसमें डाल दिया जो मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको छान भी लिया था, जिससे कि लम्स ना रहें। और बस इसको चलाते रहना है गैस पे, पानी में इसको आपको अच्छे से चलाते रहना है, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। थोड़ा सा जब थिक हो जाए तो इसको फिर बच्चे को आपको देना है। और हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब बंकू के लिए कोई चीज़ बनाती हूँ तो मैं उसको 3 दिन तक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो अब ये पहली बार मैं इनको ओट्स देने जा रही हूँ, तो मैं इनको 3 दिन तक ओट्स ही दूँगी। और अब ये बन के तैयार हो गया है ओट्स। इतना ज़्यादा आप, इतना ही आपको थिक रखना है, ज़्यादा थिक भी ना रहे और इतना पतला आपको रखना है, ऐसे देना है। तो मैंने इनके देने के लिए एक छोटा सा स्पून का यूज़ करती हूँ मैं, जिससे कि इनके मुंह में लगे ना। और फिर मैं इनको खिला रही हूँ। खिलाने के लिए तो काफ़ी नाटक करने पड़ते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं इनके भी नाटक हो रहे हैं, खाते नहीं हैं जल्दी। तो ये इनको मैं खिला रही हूँ। और हाँ, मैंने इसमें ना सॉल्ट ना शुगर कुछ भी ऐड नहीं किया है। आप चाहो तो बाद में वेजीज ऐड कर सकते हो, जब बच्चा आपका थोड़ा और बड़ा हो जाए तो वेजीज ऐड कर सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग निकल आए थे बाहर घूमने के लिए मॉल, क्योंकि आरव को, माही को, सबको पिज़्ज़ा और बर्गर खाने थे। तो फिर पापा ने पैसे दिए कि जाओ सब लोग घूमो खा पियो। तो फिर बंकू और हम सब लोग आए थे। हम लोगों ने काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, बर्गर वर्गर खाया सब, थोड़ा बहुत इधर उधर टहला, सब कुछ देखा। फिर उसके बाद करनी थी माही को शॉपिंग, तो हम लोग चले गए थे ट्रेंड्स। यहाँ पे हमने की शॉपिंग, बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा था, तो काफ़ी शॉपिंग वगैरह की। फिर शाम को सेलिब्रेट होनी थी लोहड़ी, फिर हम लोगों ने लोहड़ी सेलिब्रेट किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव।